एक और ऑनलाइन क्वेश्चन है आईसीएमआर के लिए, हैव द 2.5 लाख टेस्टिंग किट्स अराइव्ड दैट वी वर एक्सपेक्टिंग टू बी डिलीवर्ड बाय 8th और 9th ऑफ अप्रैल? वेल, दिस किट्स हैव नॉट अराइव्ड येट, बट वी दे आर एक्सपेक्टेड एनी टाइम. नीलू रंजन, प्लीज यूज माइक. नीलू सर, कल से देख रहे हैं कि कई राज्यों में कंटेनमेंट प्लान जो है बहुत कड़ाई से लागू किया जा रहा है, एरिया को सील किया जा रहा है और लॉकडाउन को बहुत तेजी से बढ़ाया जा रहा है. पिछले 17 दिनों में ये काम क्यों नहीं हुआ? क्या नहीं लगता कि राज्यों की जो लापरवाही रही उसी कारण आपके केसेस इतने ज्यादा आ रहे हैं? सर, वी विल एंड अप डीमोटिवेटिंग द सेट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग एट फील्ड. आई थिंक वी शुड प्रोजेक्ट द क्वेश्चन स्लाइटली डिफरेंटली. हो ये रहा है कि फील्ड में शुरू से ही काम हो रहा है. आज भी जो आप रिजल्ट देख रहे हैं, पिछले 2.5 महीने से, जब से कि पहला केस चाइना में रिपोर्ट हुआ था, उसके बाद से ही जिले के लोग, स्टेट के लोग इसमें लगातार कार्य करते आ रहे हैं. और आप ये समझिए कि हम कोई भी एक्शन अगर स्टेट लेवल पर, जिला लेवल पर ले रहे हैं, तो वो हमारा एक्शन होता है इनकमेंसरेट विद द टाइप ऑफ चैलेंज वी आर फीलिंग. तो आई वुड से कि वी हैव टू कॉम्प्लीमेंट द स्टेट्स एज वेल एज द डिस्ट्रिक्ट फॉर द हार्ड वर्क दे आर डूइंग, एंड वी हैव टू कीप ऑन टेकिंग देयर हेल्प इन टर्म्स ऑफ एंश्योरिंग दैट वी एक्चुअली एंड अप ब्रेकिंग द चेन ऑफ ट्रांसमिशन. साहिल फ्रॉम ANI. Good afternoon, I'm Sahil Pandey from ANI News Agency. My question is related to a recent death of a doctor in Indore who contracted COVID. So how could doctor contract COVID disease? He's a frontline worker. Was there enough PPE available over there in the hospital? Because it becomes very difficult. And you mentioned that PPE is not absolutely necessary or it's not required all the time. Sir, one more thing is that many doctors are getting assaulted as well. What do you have to say on that? Thank you. Sir, मैंने दोनों विषय में एक्चुअली मैं काफ़ी डिटेल में आज बताया था, बट सिंस यू आस्क्ड, तो मैं फिर दोबारा से आपकी दृष्टि में लाना चाहूँगा कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हर ट्रेनिंग में एक फोकस करते हैं कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की रिक्वायर्ड गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए, क्योंकि वह बहुत ज़रूरी है. हमारे फ्रंटलाइन वर्कर उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए पेशेंट का ट्रायजिंग करें, पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन करें, पेशेंट का ट्रीटमेंट करें. अगर कोई भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऐसी आती है कि हमारा कोई मेडिकल स्टाफ किसी भी कारणवश अगर वो इन्फेक्ट होता है, तो इट इज़ ए बिग प्रॉब्लम फॉर अस, एंड वी वुड रियली अर्ज कि जो गाइडलाइंस हैं फील्ड लेवल पर वो फॉलो की जाएं. दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा था प्रोटेक्शन, तो इसका ही दूसरा आस्पेक्ट ये है कि बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो फील्ड वर्कर हैं, अब आप ये समझिए, कोई भी जब हम इन्फेक्शन प्रिवेंशन की भी बात करते हैं, तो हर तरह का रिस्क लेके आज जो हमारा फील्ड का हॉस्पिटल स्टाफ, हमारे डॉक्टर जो पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, जब वे इस तरह के खतरे को होते हुए भी हर तरह से सपोर्ट करें, तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम उनके लिए खड़े और उनका सपोर्ट लें? तीसरा, आपने PPE के लिए कहा, मैं इससे पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जहाँ पर PPE की ज़रूरत है वहाँ पर प्रोवाइड करे जा रहे हैं. PPE के बारे में देश में शुरू में समस्या थी, जब कोई चीज़ देश में इम्पोर्टेड होती है और जो उस टाइम पर अवेलेबल नहीं होती, उसके बाद देश में पिछले 2 महीने के एफर्ट्स के बाद हमने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को मैच्योर किया है, वह सप्लाई देना शुरू कर चुके हैं और वह सप्लाई साथ में हम स्टेट्स को प्रोवाइड भी कर रहे हैं. मैं आपसे जो विषय आज आपके द्वारा हाईलाइट करना चाहता हूँ, वह यह है कि PPE के बारे में भी, जिसे कहते हैं अफवाहें या डर की ज़रूरत नहीं है, हमारी गाइडलाइंस इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट नॉट ओनली PPE शुड बी मेड अवेलेबल, बट उनका रैशनल यूज़ हो, जहाँ जिस लेवल की ज़रूरत हो उसको उस लेवल पे यूज़ किया जाए. अब मान लीजिए लिमिटेड सप्लाई की कोई चीज़ है, अगर मुझे उसको, मैंने जैसे आपको N95 मास्क के बारे में बताया कि मैं एक दिन में 4 N95 मास्क भी यूज़ कर सकता हूँ, 4 बार अलग अलग मास्क यूज़ करते हुए एक दिन में मैं एक भी यूज़ कर सकता हूँ. तो हम बात कर रहे हैं कि वाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सप्लाई को ऑगमेंट कर रही है स्टेट्स के साथ मिलकर, साथ ही हम सबसे ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसका रैशनल यूज़ भी हो. फ्रेंड्स, कुछ अनाउंसमेंट से आपके लिए. इंडियन रेलवेज हैज सो फार प्रोड्यूस्ड अबाउट 6 लाख रीयूजेबल फेस मास्क एंड मोर देन 40,000 लीटर्स हैंड सैनिटाइजर. मिनिस्ट्री ऑफ HRD रिगार्डिंग द ट्रेनिंग कंपोनेंट, गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर मैनेजमेंट ऑफ COVID-19, इंटेग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल ऑन दीक्षा प्लेटफॉर्म ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ HRD, एंड फ्रॉम द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, स्वच्छता ऐप हैज now been modified and strengthened further in order to enable the citizens to get their COVID-related complaints also addressed through the urban local bodies. Now the last question, number 14.
Sir, please let him ask the question. सेंटर ने स्टेट के लिए पैकेज अनाउंस किया है, वो कितना बड़ा पैकेज है, इसे क्या मायने हैं? सर, सेंटर ने स्टेट के लिए किस, आप किस पैकेज की बात करें? बिकॉज मल्टीपल पैकेजेस हम अनाउंस कर चुके हैं. ओके ओके. सो बेसिकली ये कोविड इमरजेंसी पैकेज जो हमने लिखा है स्टेट्स को, इस पैकेज के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक स्पेसिफिक पैकेज है, कोविड 19 इमरजेंसी रेस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयरनेस पैकेज. ये अप्रूवल हो चुका है, इसके लिए हमने आज ही स्टेट्स को लिखा है. मैं एक्चुअली में इसकी और डिटेल्स के साथ कल आपके पास आना चाहता था, बट चूंकि आपने पूछा तो मैं आपकी दृष्टि में लाना चाहूंगा कि इस पैकेज के द्वारा 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम है ये, जिसके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करेगी इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथनिंग देयर हेल्थ सिस्टम्स, सपोर्टिंग देयर प्रिवेंशन प्रिपेयरनेस एक्सरसाइज, प्रोक्योरमेंट ऑफ एसेंशियल मेडिकल इक्विपमेंट, कंज्यूमेबल्स और ड्रग्स, और साथ ही सर्वेलेंस एक्टिविटीज इंक्लूडिंग अपग्रेडेशन ऑफ लेबोरेटरीज. और इसके तहत स्टेट्स पीपीज एंड 95 मास्क, वेंटिलेटर्स या कोई और भी सप्लाईज हैं वह भी खरीद सकते हैं, जिसको टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करेगी. साथ ही हम कम्युनिटी सर्वेलेंस एक्टिविटीज के लिए भी इस फंड को इस्तेमाल कर सकते हैं, हॉस्पिटल के अपग्रेडेशन के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, एम्बुलेंस के लिए यूज कर सकते हैं. यह अच्छा हुआ आपने क्वेश्चन पूछा, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी वी हैव रिटर्न टू स्टेट्स, और इसकी डिटेल और सारी डिटेल हम स्टेट को जल्दी ही कम्युनिकेट भी करने वाले हैं. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आई विल कम बैक टू विद ऑल द डिटेल्स, नॉट ओनली हाउ मच मनी इज देयर, हाउ इट इज गोइंग टू बी स्पेंट, वी विल एक्सप्लेन टू इन ग्रेटर डिटेल.